भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले गए तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे मुकाबले में पहले भारतीय टीम ने बल्ले तो वहीं गेंद से भी श्रीलंका की टीम का बुरा हाल कर दिया। आपको बता दें, गेंदबाजी में आज मोहम्मद सिराज चमके, जिन्होंने एक एक करके लंकाई बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया। लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी दर्शाते दिखाई दिए। श्रीलंका की बल्लेबाजी के दौरान 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के बल्लेबाज चमिका करुणारत्ने को इतने अलग अंदाज में रन आउट कर दिया कि बल्लेबाज फिर कभी अपने सपने में भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जब 391 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट जल्दी गंवा दिए, तो उस दौरान चमिका करुणारत्ने संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन बल्लेबाज से एक गलती हो गई कि वो डिफेंस करने के बाद क्रीज से बाहर निकल गए। मोहम्मद सिराज ने बल्लेबाज को क्रीज से बाहर देखते ही गेंद स्टंप्स पर मार दी। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि चमिका करुणारत्ने नॉट आउट है और उनका पैर क्रीज के अंदर ही है, लेकिन जब रिप्ले देखा गया तो बहुत छोटे अंतर से उनका पैर हवा में था और क्रीज से बाहर होने की वजह से क्रीज पर खड़े रहकर भी चमिका करुणारत्ने ने अपना विकेट गंवा दिया। मोहम्मद सिराज का ये रन आउट ये दर्शाता है कि एक तेज गेंदबाज को कितना चालाक होना पड़ता है, कितना अटेंटिव होना पड़ता है, ताकि वो हर तरह से विकेट निकाल सके। ये विकेट श्रीलंका का 6वां विकेट था और चमिका करुणारत्ने एक रन बनाकर आउट हो गए। शायद इस अंदाज से वो अपने पूरे करियर में कभी नहीं रन आउट हुए होंगे जैसा आज उन्हें मोहम्मद सिराज ने किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।